नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साला पांडू किधर भाग गया? पांडू को छोड़, पुलिस हमारे पीछे पड़ी हुई है। अस्पताल चलते हैं, वहां मीना से कुछ काम की बातें मालूम होंगी। चल यहां से। काला चेहरा मेरा मोजा, मुझे तो सारा भेद डॉक्टर मीना की इन दो बातों में लगता है। स्टॉकिंग ऊपर से फटा है और इस पर पान के दाग भी हैं। इसका मतलब इसे जरूर सर पे पहना गया है। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर कुछ भी हो, हमें तो ये राज मालूम करना ही होगा। अच्छा डॉक्टर, अगर ये मोजा मैं सर पे पहनकर मीना के सामने जाऊं, आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? इससे उसे शौक लग सकता है, लेकिन अगर कातिल तक पहुंचने में तुम्हें मदद मिले तो मुझे क्या एतराज हो सकता है? मैं मीना को संभालूंगा। शक सही निकला। जिस किसी ने भी द्वारका दास का खून किया, बिल्कुल इसी तरह किया, और मीना ने उसे देखा। कातिल का पता तो चल गया, लेकिन उसके चेहरे पे चढ़ा हुआ नकाब, नकाब भी हट जाएगा और जल्द ही हमारे हाथ कातिल के गर्दन पे होंगे। डॉक्टर, कल के अखबार में अगर यह खबर दे दी जाए कि मीना होश में आ रही है और उसने द्वारका दास के कातिल के बारे में ऐसी कुछ बातें बताई हैं जिससे जाहिर होता है कि मीना ने खुनी को देखा है, और पूरी जानकारी हासिल करने के लिए मीना को मुकम्मल तौर पे होश में लाने की हर कोशिश हो रही है। डॉक्टर, मीना होश में आती खुनी को पहचान लेगी, ये जानकर चैन से बैठा कातिल बेचैन हो जाएगा और अपनी जान बचाने के लिए मीना की जान लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि मीना विटनेस है, आखिरी और चश्मदीद गवाह। वो आएगा डॉक्टर, जरूर आएगा, और हम उसका इंतजार करेंगे। मीना होश में आ रही है, कातिल पकड़ा जाएगा। नंबर तीन वाला पेशेंट तो ठीक है ना? ठीक है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, इट्स गुड। Thank you.
हैपेंड? वो फ्लाइट चली गई। अरे सचा ये क्या हो गया? लाइट कर। हेलो हेलो हेलो, कम ऑन, गेट मी द टॉर्च, कम ऑन, सुन, व्हाट हैपेंड? प्रिंसिपल साहब का खून मैंने ही किया है जज साहब। लालच में आकर मेरे कॉलेज का कुछ रुपया गबन कर लिया। इस बात का उन्हें पता चल गया। उस रात जब मैं अकाउंट बुक्स लेकर उनके घर पहुंचा तो 50,000 के चेक पे मेरा दस्तखत करके तुमने रुपए निकाले। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी बात तो सुनिए, मुझे कुछ सुनना नहीं है। जो कहना है अदालत में जाके कहना। ऐसा न कीजिए, मैं मर जाऊंगा, मेरी बीबी, मेरे बाल बच्चे मर जाएंगे। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ठीक है, मैं तुम्हें एक हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ। एक हफ्ते में कॉलेज का पैसा पैसा वापस मिलना चाहिए जी। और देखो, कल से किसी और जगह नौकरी ढूंढ लेना। एंड द कॉलेज को तुम्हारी नौकरी की जरूरत नहीं है। साहब मेरी बात तो सुनिए। बहुत सुन चुका हूँ, नाउ गेट आउट। चाबी मिलने के बाद मेरे दिमाग ने कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया। उन्हीं दिनों प्रिंसिपल साहब ने इन लड़कों को कॉलेज से निकाल दिया और मैंने उन्हें उनके खिलाफ साजिश करते हुए सुना। इस मौके का फायदा उठाकर इनसे पहले मैं वहां जा पहुंचा। मैं आगे बढ़ रहा था कि जमीन पर पड़ा हुआ एक मोजा दिखाई दिया। मोजा सर में पहनकर किसी के आने की आहट सुनकर मैं पलंग के नीचे छुप गया। पहले विजय आया, उसने उनके ऊपर पिस्तौल उतारी, लेकिन उन्हें मरा देखकर घबराहट में पिस्तौल छोड़कर चला गया। पिस्तौल मैंने उठा ली और फिर छुप गया। इसके बाद राकेश आया, घबरा कर वो भी चाकू छोड़ गया। इस तरह चाकू भी मेरे हाथ आ गया। मिथुन ने उनकी गर्दन दबाने की कोशिश की और उन्हें मरा हुआ देखकर वो भी भाग गया। पिस्तौल पर वार रखकर उन पर गोली चलाई। पिस्तौल चलाने के बाद मैंने उनके शरीर पर चाकू के वार भी किए। मैंने सोचा मुझे किसी ने देखा नहीं, लेकिन मीना की चीख सुनकर मैं घबरा उठा।
मोजा फेंक कर मैं वहां से भाग निकला। जिस तरह के शुरू हुआ उसी तरह अगर वो खत्म होता तो मैं सामने आता ही, लेकिन मीना के बारे में अखबार में पढ़कर मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा उसे खत्म करने के सिवा मेरे सामने दूसरा और कोई मार्ग नहीं था। मैं उसी तरह नकाब चढ़ाकर हॉस्पिटल जा पहुंचा। वहां इन तीनों को देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने अपनी जान बचाने की हर कोशिश की, लेकिन केस के हर पहलू पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि द्वारका दास का कातिल मुहिद्दीन कुलभूषण ही है। लिहाजा अदालत बसबूत जुर्म दफा 302 तादीरात हिंद मुहिद्दीन कुलभूषण को सजाए मौत का हुक्म देती है। राकेश मिथुन और विजय को द्वारका दास के कत्ल के इल्जाम से बरी किया जाता है। नहीं जैसा, हमें बरी मत कीजिए, हमें भी सजा दीजिए। गुनेगार हम भी हैं। देवता समर्पित प्रिंसिपल के बारे में ऐसे सोचने वालों को बरी मत कीजिए जैसा, हमें सजा दीजिए। हम गुमराह हो गए सर, उन्होंने हमेशा हमारी जिंदगी संवारने की कोशिश की, लेकिन जिंदगी के बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं। सोचा तब जब उनकी जिंदगी चली गई। उनकी मौत के जिम्मेदार हम भी हैं जज साहब, हमें तो ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे आज के स्टूडेंट्स से क्या कल के आने वाले स्टूडेंट्स को सबक मिले। हाँ जज साहब, इससे बढ़कर इत्मीनान की बात क्या होगी कि आप लोगों ने अपनी गलती का एहसास खुद ही कर लिया, और गलती का एहसास ही सबसे बड़ी सजा है। सजा देने के साथ साथ कानून लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम भी करता है। लिहाजा ये केस अपनी मिसाल आप है। आप लोगों ने देख लिया कि आपकी जल्दबाजी और नासमझी ने आपको तो मुसीबत में डाला ही, कानून के लिए भी पेचीदगियां पैदा कर दी। मैं दुनिया के तमाम तालिब इल्मों से अपील करता हूँ कि उन्हें सिर्फ अपनी तालीम से ही वास्ता रखना चाहिए। पॉलिटिक्स में उन्हें उतनी दिलचस्पी लेना चाहिए जितनी मुनासिब हो। उन्हें चाहिए कि पढ़ लिख कर अच्छे शहरी बने जिससे उनकी और मुल्क की तरक्की हो। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारू में और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।